अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग सीक्रेट विद ज़किया। आज मैं आपको झटपट एक पुलाव की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम 2 गिलास चावल को भिगा देंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसको एक तरफ पानी डालकर रख दूंगी। इसके बाद एक प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे ऑन कर लिया है। इसमें मैंने डाला है ऑयल, एक कटी हुई प्याज और 1 चम्मच ज़ीरा। इसे मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी ताकि जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसे हमें हाई फ्लेम पे भूनते रहना है। ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आपके घर में जो भी बची कुची सब्जियां हैं, जो भी है, आप इसमें डाल सकते हैं। इसे मैंने डाला है 1 आलू। इसे थोड़ा पहले डालूंगी ताकि जो आलू है वो अच्छी तरह से भून जाए। इसमें डाला है हल्दी 1/2 चम्मच। ये मेरे पास कुछ बॉइल्ड चने और काबली चने और इसमें थोड़ी सी मटर थी, ये मेरे पास बचा हुआ था, फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और साथ ही डाला है मैंने कुछ कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, गोभी है, बैंगन है और जो भी है फ्रिज में, और कुछ भी समझ में नहीं आता है कभी हम क्या बनाएं और कभी बिल्कुल भी दिल नहीं होता है बनाने का, तो फिर आप झटपट ये पुलाव बना सकती हैं और अपनी सब्जियों को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे हम थोड़ा भूनेंगे। जितना हम अपने खानों को भूनते हैं उतना उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसमें मैंने डाला 1 कटा हुआ टमाटर और टमाटरों को उबलने के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, और बाकी का नमक हमने बाद में डालना है पानी डालने के बाद। अब इसको ढक देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुका है, टमाटर जो है वो थोड़ा सा गल गए हैं और पानी भी सूख गया है। मैं इसको थोड़ा सा चलाकर फिर मैं अपने बाकी के मसाले, जो सूखे पाउडर मसाले हैं, वो मैं डालूंगी। इसमें डाली मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास बिरयानी मसाला घर का बना हुआ है, ये है 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च पाउडर ये भी है 1 टीस्पून, और ये कुछ स्लिट में कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्च वगैरह तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसे भी पाउडर मसालों को थोड़ा सा ही हमने भूनना है 1-2 मिनट, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखिए मैंने चावल डाल लिया। अब मैं इसमें पानी डाल के गैस पे रख दूंगी। मैंने इसी गिलास से 2 गिलास चावल लिया था और इसी गिलास से 2 गिलास पानी भी डालेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से एक प्यार होगा, एक तोहफा होगा। अब मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं लिड लगा दूंगी और 2 व्हिसल आने तक इसे हाई फ्लेम पे रखूंगी। दो व्हिसल आ चुकी है, अब मैं इसे खोलूंगी। अरे वाह, मेरा मज़ेदार पुलाव तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत झटपट बन जाने वाली है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। ये देखिए सर्व भी हो गया। अल्लाह हाफिज़।